अगर आप भी चाहते हैं आपके गेस्ट आपकी तारीफ करते हुए बिल्कुल नहीं थके, तो आप अपनी दावत में ये जरूर ऐड कर सकते हैं। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपसे चिकन अफगानी कबाब की रेसिपी, बहुत ही यमी बनती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल समायरा फूड्स। तो आज मैं जो बना रही हूँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। मैंने यहाँ 5 मुर्ग लिए हैं, आप एक बनाएं या 2 बनाएं, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा मसाले के कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 लेमन जूस लिया है और साथ मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है जिंजर और ग्रीन चिली का पेस्ट, मैंने एक साथ तैयार किया है, तो यहाँ पे मैं 5 टेबलस्पून डाल रही हूँ। अगर आप एक मुर्ग बना रहे हो तो आप एक डाल सकते हैं। साथ इसमें हम जाएगा 5 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ और इसे बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये फर्स्ट मैरिनेशन है, सेकंड मैरिनेशन मैं आगे बताती हूँ, स्टेप 1 है ये, और इसे बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब जो है ये मैंने चिकन के इतने बड़े बड़े पीसेस लिए हैं और साथ में इसमें कट लगा दिए। ये मैंने 1 से 1.25 केजी का चिकन जो होता है वो आप लें, बड़े मुर्ग का लेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता है, तो छोटे मुर्ग लें तो आप इससे बहुत अच्छा बनेगा। आप इस तरीके से सारे कट जो हमने लगाए हैं उसमें सब में अच्छे से मसाले को अंदर डाल देना है, इससे बहुत ही जूसी बनता है। अब जो है हम सारे मसाले को अच्छी तरह मैरिनेट कर देंगे और इसे 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए आप इसे रेस्ट के लिए रख दें। अब चलते हैं हम दूसरे मैरिनेशन की तरफ। तो यहाँ मैंने लिया है 800 ग्राम मैंने दही लिया है, बिल्कुल अच्छी तरह पानी को मैंने साइड कर दिया इसके, और यहाँ पर हम लेंगे क्रीम, आप चाहे तो घर की भी मलाई ले सकते हैं या बाहर से फ्रेश क्रीम ले लें। यहाँ पर मैंने लिया है 50 ग्राम पॉपी सीड और 50 ग्राम काजू जो कैश्यू नट होता है उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। अब इसमें जाएगा मसाला, मसाला है मैंने लिया है वाइट पेपर पाउडर 3 टेबल टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है, और ब्लैक पेपर पाउडर भी हम 3 टीस्पून ऐड करेंगे। साथ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर, मैं यहाँ पर 2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। आप मेज़रमेंट वाले कप या स्पून से बनाए बहुत ही अच्छा बनता है। 10 से 12 मैंने ग्रीन चिली को क्रश करके डाला है, साथ में मैंने कोरिएंडर लीफ भी है क्रश करके इसमें ऐड किया है। 5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लिया है जिंजर जिसे मैंने क्रश करके ऐड किया है। 2 एग व्हाइट हम इसमें लेंगे, और साथ में यहाँ पर लिया है जावित्री और जायफल का जो पाउडर होता है वो मैंने रेडी करके रखा है, तो हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। 5 टेबलस्पून मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल हल्का सा रोस्ट कर लें आप इसे तवे पर, और इसे हाथ के हेल्प से क्रश करके इसमें ऐड कर दें। ज़्यादा आपको नहीं करना वरना इसका टेस्ट बहुत ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे मैं अमूल चीज़ ऐड कर रही हूँ, 4 से 5 क्यूब आप ले लें और इसे क्रश करके अच्छी तरह हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सत्तू, ये अगर आपके पास सत्तू नहीं है तो आप बेसन को हल्का सा रोस्ट करके इसमें ऐड कर दें। 5 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है, इसमें मैंने यहाँ पे ऐड किया 1/2 कप रिफाइंड ऑयल, आप चाहे तो बटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और साथ हम इसे बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि हमारे सारे मसाले जो हैं वो कहीं पर लम्ब्स ना बने। हमने चीज़ भी ऐड किया है, उसे भी हम बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब हमने सारे चिकन के पीसेस को पानी से हटाकर सेपरेट करके इसे अच्छी तरह मैरिनेट करना है। जैसे हमने फर्स्ट मैरिनेशन किया था बिल्कुल अच्छी तरह कट्स में मसाले डालकर, उसी तरह हमें इसे भी मसाले में अच्छी तरह कट्स में डालकर, देखिए इस टाइप से हमें अच्छी तरह मैरिनेट करना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 3 से 4 घंटे के लिए रख सकते हैं, नहीं तो आप 1 से 2 घंटे तो कंपलसरी है आपको रखना है। इससे बहुत ही अच्छा आपका जो चिकन है वो जूसी बनेगा। तो हमने सारे मसाले जो अच्छी तरह मैरिनेट कर लिए हैं चिकन में, जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक हम चलते हैं डिप की तरफ। ये जो डिप है बहुत ही यमी बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पे मैंने लिया है कोरिएंडर लीफ, जितना आप कोरिएंडर लीफ लें उससे आप 1/2 मिंट लीफ ले लें। 1 मैंने अनियन ऐड किया है, साथ में मैंने आइस क्यूब ऐड किया 4 से 5। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली
3 से 4, और यहाँ पे मैंने ऐड किया है जिंजर पेस्ट 1 टीस्पून, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, साथ में इसमें जाएगा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे, ब्लैक सॉल्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा, और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 लेमन जूस, और इसे बहुत अच्छी तरह पेस्ट रेडी कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम कर्ड, बिल्कुल अच्छी तरह बीट करके पानी इससे बिल्कुल अलग कर लेना। हंग कर्ड हम इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना। ये हमारा जो डिप है ये रेडी हो चुका है, बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम चलते हैं चिकन की तरफ। तो चिकन अगर आपके पास ओवन है या आप एयर फ्रायर में फ्राई करना चाहते हैं उसे, तो आप बिल्कुल अच्छी तरह रोस्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर चारकोल पर इसे अच्छी तरह रोस्ट करूँगी। यहाँ मैंने लिया है एक जाल, और इससे हम सब चिकन के पीसेस को अच्छी तरह हम इसमें रख कर, और यहाँ पर हम इसे अच्छी तरह रोस्ट करेंगे। 10 से 12 मिनट लगेगा आपको सारा चिकन जो है वो अच्छी तरह रोस्ट हो जाएगा, और उसके बाद हम इस पे बटर या घी का बास्टिंग करेंगे, और बहुत ही यम्मी बनता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत ही यम्मी बनता है, ज़रूर ट्राई करें। इसका कलर देखिए, दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छी तरह रोस्ट हो गया है, और साथ मैंने यहाँ पर लिया है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल अनियन और साथ में चटनी, बहुत ही यम्मी बनता है, ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।